गुड इवनिंग, मैं रतन सर काबिल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको वाइगोत्स्की के लेव वाइगोत्स्की के बारे में बताया था, उसके सिद्धांत के बारे में बताया था। यदि आप उसके सिद्धांत को अच्छी तरह से देखे हैं तो आज हम उसके ऊपर ही एमसीक्यू लाए हैं जो आप बहुत ही आसान तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो वाइगोत्स्की है उसके ऊपर आपके एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते, यानी इसमें से कौन सा सही है। बच्चे वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। इस तरह का जो वर्ड है वाइगोत्स्की ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, ऐसा भी वे नहीं सोचते थे। बच्चे जन्म से शैतान है और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ये भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत में शामिल नहीं था। तो क्या था? तो बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था उसमें आपने देखा होगा जो समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया है, अतः इसका सही उत्तर होगा नंबर 4। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है, यानी जो हमने बताया था कि वाइगोत्स्की और प्याजे हैं, जिन प्याजे उसमें कुछ अंतर पाया था उनके सिद्धांतों में, इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए थे। इसमें देखना है कि क्या है। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, इसका सही उत्तर होगा नंबर 4। भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, यानी इसके ऊपर जो है वाइगोत्स्की कुछ और सोचते हैं और जो प्याजे हैं उन्होंने कुछ और बताया। जैसे वाइगोत्स्की ने बताया कि पहले भाषा बच्चा सीखता है, उसके बाद उस पर क्या करता है, चिंतन करता है, जबकि प्याजे इसके उलट बताते हैं कि पहले वो चिंतन करता है फिर भाषा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। इसमें आप जब क्वेश्चन जब पढ़ रहे हों तो आप देखिएगा कि अभी तो हम सिर्फ वाइगोत्स्की के ऊपर कर रहे हैं तो ये बहुत ही आसान है कि जो भी प्रश्न रिलेटेड होगा वाइगोत्स्की से रिलेटेड होगा, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे देखें किस मनोवैज्ञानिक के ऊपर बात कहा गया और उसके अनुसार क्या होगा उसका आंसर। यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा, जो संतुलन, सामाजिक अंतःक्रिया, मानसिक प्रारूपों, स्कीमास का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्म, यानी अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, तो होगा सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, सामाजिक अंतःक्रिया, तो इसका जो सही उत्तर होगा नंबर 2 होगा। इसके बाद है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ही आपको सोचना है कि सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। इसमें क्या है, जे वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है उसमें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट पे बात की गई है, अतः इसका सही उत्तर होगा नंबर 1। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD भी कहा जाता है, तो समीपस्थ यानी ZPD मींस क्या होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। इसके अनुसार अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। यहाँ पे बीच का अंतर तो ZPD यही होता है कि जो बच्चे का जो रियल डेवलपमेंट कितना है और उसके बाद जो है वो किसी के हेल्प से कितना डेवलपमेंट कर सकता है, उसके बीच का जो अंतर है उसी को हम लोग कहते हैं ZPD। अतः इसका सही उत्तर होगा नंबर 3। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है, यानी जो पर्सनल स्पीच है
वो क्या है, ये क्या प्रदर्शित करता है, क्या बताता है? यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते हैं और इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अहं केंद्रित होते हैं। इसमें यदि यही जो क्वेश्चन है यही यदि होता प्याजे के ऊपर होता, यानी यहाँ पे वाइगोस्की के जगह यह प्याजे होता था, इसका उत्तर होता नंबर 4 कि स्पष्ट करती है कि बच्चे क्या हैं, अहं केंद्रित हैं, क्योंकि प्याजे ने ऐसा कहा था। लेकिन चूंकि ये वाइगोस्की का है तो वाइगोस्की के अनुसार क्या होगा, इसका आंसर होगा नंबर 2, यानी स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के लिए निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। यानी बच्चे जब कोई कार्य दिया जाता है और जो अकेला है वो खुद कर रहा है, अपने आप में बड़बड़ाता है, यानी उस कार्य को कैसे करेगा, उसको ठीक से दिशा निर्देश करने का कार्य करता है। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, वाइगोस्की थ्योरी इम्प्लाइज क्या करता है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, ऐसा भी नहीं है। यानी जो बच्चा सीखना चाहता है तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन के साथ रहता है तो ज़्यादा सीख सकता है, यदि अपने से कम नॉलेज वाले पर्सन के साथ वो रहता है तो ज़्यादा नहीं सीखता है, तो उसका उत्तर ये भी नहीं होगा। सहयोगात्मक समस्या समाधान, तो आपको जो वर्ड दिया गया था कीवर्ड, इसमें इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, इसका सही उत्तर क्या होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, सब में प्रश्न में आप देखिएगा कि मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है, इसमें तो वाइगोस्की ही है, तो किस मनोवैज्ञानिक के आधार पर ऐसा बात कहा गया इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोस्की क्या क्या था, इंटरेक्शन विद एडल्ट्स एंड पीयर्स, इन शब्द का इस्तेमाल वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, नंबर 4। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे, अतः इस खाली स्थान में इस 4 में से क्या होगा, तर्कसंगत, आत्मसात, सक्रियकरण, निर्माण, यानी इसमें से होगा एसिमिलेट करेंगे वो, अर्थात आत्मसात करेंगे। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, यानी बच्चे जो स्वयं से बोलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल स्पीच, या तो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, जो बड़बड़ाते हैं बोलते हैं या मन में भी सोचते हैं, साइलेंट स्पीच जो है, बच्चे अपने प्रतिवयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, नहीं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, ऐसा भी नहीं कहा गया, बच्चे अहं केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, अतः इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। यही आंसर फिर से यदि आप इसको देखें, वाइगोस्की की जगह जब प्याजे होता तो इसका उत्तर कुछ और होता, चूँकि यहाँ वाइगोस्की है इसलिए इसका उत्तर होगा नंबर 4। मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के थे, मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की जो थे वो कहाँ के थे, रूस के थे। आपको बताया था कि रूस में एक जगह बेलारूस जहाँ वो पैदा हुए थे और वे बहुत ही कम उम्र में उनका निधन भी हो गया था, सिर्फ 38 ईयर्स के, तो वो कहाँ के थे, रूस का सही उत्तर होगा इसका 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है, कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। विकास अधिगम से स्वार्थी है, यानी डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, स्वाधीन होगा यहाँ पर, और अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएँ हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है और विकास अधिगम का समानार्थक है, समानांतर मतलब दोनों पैरेलल चलता है, और इसमें इसका सही उत्तर होगा नंबर 3,
यानी विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। इसका मतलब हो गया जो बाइगोस्की कहते हैं कि पहले बच्चे सीखते हैं तब उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी सीखना पहले आता है लर्निंग और डेवलपमेंट बाद में, विकास बाद में आता है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी पहले अधिगम होता है और बाद में विकास होता है। ये वाइगोस्की के अनुसार है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा नंबर 3। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि, यानी बाल विकास के बारे में क्या कहा ये देखते हैं, यह संस्कारों की आनुवंशिकता के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इसमें उसने क्या कहा, सामाजिक जो है उनका सोशल कल्चर डेवलपमेंट है, अतः यह हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2। यह देखने के बाद कि छात्र किसी चल रही गतिविधि पर आगे की प्रक्रिया के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक शिक्षक क्या क्यों कैसे के रूप में संकेत और संकेत प्रदान करने का निर्णय लेता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की यह रणनीति, यानी जो काम हो रहा है यह रणनीति क्या कहलाता है, शिक्षक का यह जो रणनीति है क्या कहलाता है, सीखने के लिए एक मचान के रूप में कार्य करें, छात्रों में वापसी की प्रवृत्ति का कारण बनता है, सीखने की प्रक्रिया में अर्थहीन होना, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना। तो आपको बताया गया था स्कैफोल्डिंग के बारे में, अतः बच्चा क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है और बच्चे क्या काम के बीच में रुक गया, फिर उसको हेल्प मिल रहा है, वो काम को पूरा कर रहा है, अतः इसमें इसको क्या कहते हैं, सीखने के लिए एक मचान के, यानी जो स्कैफोल्डिंग है आपको बताया था इंग्लिश नाम याद रखिएगा, ऐसे मचान कहते हैं, बार कहते हैं, तो कई नाम होता है हिंदी में, इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, यानी स्कैफोल्डिंग कहते हैं इसे। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, एक ऐसा ऑप्शन है जो वाइगोस्की के अनुसार वो सही नहीं है, उसी ऑप्शन को आपको चुनना है। बच्चे उन कार्यों को करने से बहुत कम सीखते हैं जो पहले से ही स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ये सही है, यानी वो खुद कर रहे हैं जो काम आसानी से कर सकते हैं उसको करेंगे तो ज़्यादा कुछ उससे वो सीख नहीं पाएंगे। समीपत विकास क्षेत्र की अवधारणा इसका एक हिस्सा है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट, ये भी सही है। यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है और यह संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण भूमिका जोर देता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर क्या भूमिका पर जोर देता है, यहाँ पे है संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। तो ये है वाइगोस्की के अनुसार ये क्या है, गलत है और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो भाषा के ऊपर जोर है, ये वाइगोस्की ने भाषा के ऊपर जोर दिया था संज्ञानात्मक विकास में, जबकि प्याजे ने भाषा के ऊपर जोर नहीं दिया था। नेक्स्ट है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है, यानी वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, जैसे अभी हमने बताया कि जो प्याजे का है, तो प्याजे का यदि क्वेश्चन है तो उसने भाषा की उपेक्षा की थी, तो वाइगोस्की ने किस चीज़ की उपेक्षा की है, तो सामाजिक सांस्कृतिक जैविक और भाषाई, तो भाषा है यानी वाइगोस्की के सिद्धांत भाषा है, सांस्कृतिक भी है और सामाजिक भी है, अतः कौन सा नहीं है, वो है जैविक यानी बायोलॉजिकल, यानी सही उत्तर होगा इसका नंबर 3। वाइगोस्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए समर्थन को समायोजित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, डिस्कवरी लर्निंग, जोन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, इंटर सब्जेक्टिंग, यानी क्या कहा गया वयस्क के अनुसार जब वयस्क बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के समर्थन को समायोजित करते हैं, यानी इसको हम लोग कहते हैं स्कैफोल्डिंग यानी हिंदी में वर्ड है ये है मचान, इसका सही उत्तर होगा मचान नंबर 3। एक शिक्षक किसी विशेष अवधारणा को पढ़ाते समय एक बच्चे को आधा अधूरा उदाहरण देता है, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग कर रहा है, यानी उसने एग्जाम्पल दिया आधा अधूरा, बच्चे उस एग्जाम्पल को सीखा और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसको पूरा काम कर रहा है, यानी बच्चे को क्या किया, बीच में ही उन्होंने क्या किया, आधा एग्जाम्पल दिया मतलब बीच में ही छोड़ दिया, उस पूरे काम को कौन करेगा, बच्चा अकेला करेगा, इसको क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग यानी मचान, इसका सही उत्तर होगा नंबर 2। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्कैफोल्डिंग और ZPD का क्या है अंतर है, तो कैसे हम स्कैफोल्डिंग का उत्तर दे रहे हैं, कई सारे आपने प्रश्न देखा सभी का उत्तर क्या हो रहा है, स्कैफोल्डिंग हो रहा है, उस प्रश्न के
जो प्रश्न है उसको समझिए कि किस तरह से उसका डिफरेंस को हम लोग कर पा रहे हैं सॉल्व। जिग्सॉ पहली पर काम करते हुए 5 साल की नजमा खुद से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह नहीं, गहरा वाला जो यहाँ जाकर यह जूता या बनाएगा। इस तरह की बात को संदर्भित किया जाता है वाइगोस्की के द्वारा, यानी व्हाइल वर्किंग ऑन ए जिग्सॉ पजल 5 ईयर्स ओल्ड नाजमा सेज टू हरसेल्फ, अपने आप से बोलती है जब वो काम करिए एक पे, वेयर इज द ब्लू पीस, यानी बोल रही है, बड़बड़ा रही है, नो नॉट दिस वन, डार्कर वन दैट वुड गो हियर एंड मेक हिज सूट दिस सू, यानी अपने आप से ये यहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा, ऐसा बनेगा, इस तरह से वो बोल रही है। तो दिस काइंड ऑफ टॉक इज रिफर्ड टू वाइगोस्की, तो क्या होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के लिए अकेले करना बहुत कठिन कार्य, लेकिन वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से संभव है, कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की अ रेंज, यहाँ पर दिया गया रेंज, रेंज मतलब ही हो गया कि बच्चे जितना सीखते हैं और जो किसी के हेल्प से सीखा उसके बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, यानी डिफरेंस, यानी अंतर। तो रेंज जहाँ पे आपका ये आ रहा है, रेंज आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो उस क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ भी हेल्प हो रहा है, इसके पहले भी हेल्प कर रहा था, लेकिन हेल्प कर रहा था बच्चा को अधूरा छोड़ देता, वह पूरा काम बच्चा खुद कर रहा था, उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अंतर आ जाएगा, हेल्प किया और उसके बीच कितना हेल्प किया, अंतर निकालेगा, रेंज निकालेगा, तब क्या हो जाएगा, जेड पीरियड, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना किसका उदाहरण है, यह है सुदृढ़ीकरण, कंडीशनिंग, मॉडलिंग, मचान, यानी क्या कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं और जरूरी हो रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग अर्थात मचान। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक जो है सोशल कल्चर डेवलपमेंट जो है दिया था, यह रूसी मनोविज्ञानी लेव वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित है, सीखना समाज के साथ अंतःक्रिया से ही होना चाहिए। वाइगोस्की ने शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों की 3 आवश्यकताओं का प्रस्ताव किया, इनमें से कोई नहीं, इसमें बताया गया है जो कौन सा कथन गलत है, यानी गलत को ढूंढना है, तो आप इसमें से देख रहे हैं कीवर्ड जो हम आपको बताए थे, कीवर्ड के अनुसार भी इसको खोजा जा सकता है। यहाँ पे है अंतःक्रिया से ही होना चाहिए, अतः यहाँ पे ही जो वर्ड है इसका इस्तेमाल किया गया, अतः ये क्या है, गलत है। सिर्फ अंतःक्रिया से नहीं, बहुत सारा तरीका है जिससे बच्चे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अतः इसका सही उत्तर क्या होगा, नंबर 2। शिक्षक दिवस पर भाषण देने जाने से पहले रमन शीशे के सामने भाषण देकर अभ्यास करते हैं, वाइगोस्की ने इस गतिविधि को ... के रूप में वर्णित किया, यानी किस रूप में वर्णित किया, यानी कोई बच्चा अपने आप में बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो उसको क्या किया, वो यानी अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ा रहा है, अपने आप को डायरेक्ट कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच कहते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। एक टास्क के दौरान साइना खुद से बात कर रही है कि किस तरह वह टास्क को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार इस तरह का निजी भाषण किसका निशानी है, तो इस तरह का जो निजी भाषण कर रहा है, तो हमने आपको बताया जब प्राइवेट स्पीच सेल्फ स्पीच होता है वो क्या करता है, उसके उत्साह को बढ़ाता है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, उसके दिशा निर्देश करता है बच्चों को, यानी खुद अपने आप को डायरेक्ट कर रहा है कि हमें ऐसा करना है इस तरह से, तो क्या कर रहा है, स्वनियम, यानी सेल्फ रेगुलेशन, इसका सही उत्तर क्या होगा, सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियमन। अभी कथन है जो परिवार पड़ोसी बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जो कारण है इसका, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण एक बच्चे की भाषा सीखने पर जोर देता है और बच्चे अपनी मूल भाषा को सूचना के माध्यम से सीख सकते हैं, यानी ए और आर दिया गया है, इसमें जो है जो ये आपका एसेप्शन है और ये आपका उसका कारण है, तो बता रहा है जो दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए और आर दोनों सत्य लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ए सच है लेकिन आर झूठा है, दोनों ही
झूठे हैं। आपका सही उत्तर होगा नंबर 1, यानी ए जो है वो सही है। परिवार पड़ोसी बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बाइक उसके निकात परिवार है, पड़ोसी उसको पीयर्स हैं यानी समाज है, सभी मिल करके उसके भाषा जो विकास है उसमें हेल्प करते हैं। और बताया गया सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण एक बच्चे की भाषा सीखने पर जोर देता है और बच्चे अपनी मूल भाषा को सूचना के माध्यम से सीखते हैं, उसका कारण जो है एक का कारण भी ये सही है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1। शिक्षक ने देखा कि रवि अकेले एक समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है, जबकि वह इसे आसानी से हल करता है जब उसके शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाती है। वाइगोस्की के विचार में इस प्रकार के समर्थन को कहा जाता है, यानी वह खुद से नहीं कर पा रहा था है सॉल्व, उसको जैसे ही हेल्प मिला उसने क्या किया, उस चीज़ को सॉल्व कर दिया। इसे क्या कहेंगे, जनरलाइजेशन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, पीयर ट्यूटोरियल और स्कैफोल्डिंग। तो आपने देखा कि स्कैफोल्डिंग यानी मचान जो है इसका सही उत्तर होगा। इसमें क्या करते हैं, जब कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, रुक जा रहा है, उसको हेल्प मिलता है, फिर उसे वे कंप्लीट कर देते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य सीखने की प्रक्रिया में महत्व पर जोर देता है। किसके महत्व पर, एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन, इक्विलिब्रेशन और कल्चरल टूल्स। तो उसने जोर दिया है वाइगोत्स्की में, आपने देखा था कल्चरल टूल्स है, इसके ऊपर जोर देता है। इसका सही उत्तर होगा सांस्कृतिक उपकरण। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में शामिल कारकों को शामिल किया है। उसके जो संज्ञानात्मक विकास उसमें किन कारकों को शामिल किया, एक है सामाजिक संपर्क, शिक्षक बातचीत, माता पिता की बातचीत, उपरोक्त सभी। उसने किसको किया, तो इसमें से देख रहे हैं जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उसने शामिल किया था सोशल इंटरेक्शन को, यानी जो संज्ञानात्मक विकास है उसका जो डेवलपमेंट होगा उसमें सोशल इंटरेक्शन को वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में शामिल किया था। सही उत्तर होगा इसका नंबर 1। एक बच्चा पढ़ना सीखने के लिए संघर्ष कर रहा है, छात्रों के साथ काम करके या सिखाने के लिए कि शब्दों का उच्चारण कैसे करें और अन्य शब्द पहचान रणनीतियों का उपयोग करें, बच्चा पढ़ना सीखने में सक्षम होता है। उपरोक्त उदाहरण किस निर्माण को उजागर कर, अतः बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ने में असमर्थता दिखा रहा है यानी उसके असुविधा हो रहा है। इसका मतलब बच्चा पढ़ना पहले जानता है और सही सही नहीं पढ़ पा रहा है, रुकावट हो रहा है, तो उसे क्या कर रहा है, जो दूसरा बच्चा जो उसको जानता है वो उसको क्या कर रहा है, समझा रहा है और उसको बताया कि इसे पढ़ना चाहिए और इसके बाद बच्चा पढ़ने में सक्षम हो जाता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, संगठन, संतुलन, अनुकूलन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र का उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए, किस चीज़ के लिए, शिक्षण और मूल्यांकन, केवल शिक्षण, केवल मूल्यांकन, द्रव बुद्धि का पता लगाना। तो आपने देखा था सिर्फ केवल शब्द का जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है तो वो उत्तर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है, शिक्षण और मूल्यांकन दोनों के लिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, एक यानी ZPD का इस्तेमाल इन दोनों चीज़ के लिए किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत ने नींव रखी, यानी वाइगोत्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी लेड द फाउंडेशन फॉर, किस चीज़ का नींव रखा उसने, व्यवहारवाद, मानवतावाद, रचनावाद, संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत। उसने किस चीज़ का रखा था, रचनावाद का रखा था। यदि आपने वाइगोत्स्की के ऊपर बना वीडियो हमारा जो थ्योरी है उसको ये देखें तो ये सब प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही उसने रचनावाद का देखा होगा, रचनावाद वर्ड उसमें आया था। निम्नलिखित में से कौन सा मचान का एक अच्छा उदाहरण, मचान कहने से अर्थ हो गया स्कैफोल्डिंग, एक अच्छा उदाहरण है, किसी समस्या को सुलझाने के कार्य को तब तक सीखना जब तक कि छात्र इसे स्वयं करने में सक्षम ना हो जाए। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग लर्निंग ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय हरसेल्फ। तो है समस्या को जल्दी से हल करने के लिए इनाम देना, उसे बताना कि वह बार बार कोशिश करके ऐसा कर सकती है, अर्थ समाधानित उदाहरण प्रदान करना, उससे कहना कि वह जब तक घर नहीं जा सकती तब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती। इसमें है जो ऑफरिंग ए रिवार्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली, ऐसा नहीं है कि उसको रिवार्ड देना, इसमें वाइगोत्स्की के अनुसार नहीं है। टेलिंग हर दैट सी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन,
और प्रोवाइडिंग ए हाफ सॉल्व एग्जाम्पल, इसने कहा कि जब नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देंगे, सॉल्व करके देंगे, कुछ आधा एग्जाम्पल देंगे, बता देंगे जिससे वो और आसानी से कर सके। तो टेलिंग हर सी कैन नॉट गो होम टिल सी, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती हो गया और बच्चों के साथ तो ज़ोर ज़बरदस्ती करना है नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नंबर 3, यानी अर्ध समाधानित उदाहरण प्रदान करना, उसे बताना कि बार बार कोशिश करके ऐसा करना, ये भी नहीं कर सकते हैं, जब उसे आता ही नहीं है तो बार बार कोशिश कैसे कर सकता है वो। इसलिए हम यदि उसको थोड़ा बता दें तो क्या करेगा, वो कर सकते, जैसे स्कैफोल्डिंग में हमने आपको बताया कि उसको हेल्प करना है। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने स्कैफोल्डिंग, ZPD इसका इस्तेमाल किया, इसमें बहुत ही सामान्य सा अंतर था लेकिन फिर भी इसका समाधान आराम से कर पा रहे हैं। और लेब वाइगोत्स्की से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आपने जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित थ्योरी को देखा है और उसके ऊपर जो हमने प्रश्न दिया आपको उसको किया है, तो आपका एग्जाम में श्योर 5 से 6 नंबर इसी तीनों जो थ्योरी है उससे आपको आ जाएगा। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हैं, उसमें इन तीनों से संबंधित ही 5 से 6 नंबर का प्रश्न रहता है। आप यदि 5-6 नंबर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप यह जो तीनों वीडियो है जीन पियाजे के ऊपर, कोहलबर्ग के ऊपर और लेब वाइगोत्स्की के ऊपर, इसको आराम से आप देख सकते हैं, इससे आपका 5 और 6 नंबर एग्जाम में आना निश्चित है। आशा करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे और आज का जो वीडियो आपने देखा, जो MCQ देखा, यह भी इम्पोर्टेंट था, ये भी समझ में आ गया। धन्यवाद।